On महिमा महिमा बेटे मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने क्या हुआ बेटे गिरीश पसंद नहीं आया Um, मैं आपकी पापा से ही बात करवाती हूँ हेलो कुमार साहब हाँ uh, जी कुमार साहब मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ और मेरे को पता चला आप कल शाम आए ग्रीश को देखने और अभी महिमा ने इतफाक से फोन उठाया है आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश अपनी अपनी चॉइस होती है जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी यह है कि अंदाजा लगाता है क्या बता है? नहीं नहीं वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है इसमें गलती मेरी है मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है और मैंने इनको इसके पापा को अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो आपने जब देखा है महिमा ने इसको देखा है आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था एक तो ये उठा अभी है अभी साढ़े दस बजे आप लोग आ गए मेरे खाते साढ़े बारह बिना नहाए बैठा है ये अब नहाया है ये आप एक बार आगे देखो एक बार एक बार चांस दे देखो इसको आप किसी और भी नहीं, नहीं, नहीं मैं आपकी बात जायज मानता हूँ जायज मानता हूँ नहीं लगा होगा अच्छा ग्रीज महिमा को ना आपको क्योंकि मेरे को पता था मैं इसको बोल के गया था मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए एक इसको मैंने बुसैट लेके दी थी काका की लोदिंग की ब्लू पुसैट मैंने कहा था काका की लोदिंग की ब्लू बुसैट पहन उसमें चमक के निकल के आता तो उस दिन फाइनली इसने दूसरी कोई येलो बुसैट अब देखो ब्लैक सेट में आगे देखो एक बार आप एक बार आपको देखना चाहिए नहीं क्या बताएं नहीं ये तो देखिए आप बता मेरे को मालूम है आप क्या बताएं मैं इसको जब आप गए हैं ना मैंने जब इसे देखा है भालू को मैंने कहा बाल देखे तूने अपने मैं इसको लेके गया हूँ नंद लाल है हमारा हेयर ड्रेसर है आप इसको साइड की मांग से देखना कभी लेफ्ट मांग से आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है इस वक्त आप बैठा हुआ है मैं सही बताऊँ मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको कोई कमी है नहीं अब आपकी भी गलती नहीं है जिस भाभी इसके करीब आई है ना आपकी वाइफ मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को महिमा की माँ को क्योंकि मैंने कहा अब ये जल्दबाजी में था इसने दांत नहीं मानी उस दिन एक बार आप और मौका दो गिरी इसको आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है अभी नहीं मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई जब मैं गया हूँ ना मैंने मैंने कहा भाई ग्रीज हाथ मिला आज रिश्ता पक्का हो गया होगा जैसे इसने हाथ मिलाया मेरे हाथ में चुहा है मैंने कहा नखून इतने कुत्तों के से बढ़ा रखे तूने तो मैल गुस् और मैंने कहा सबसे पहले नखून काट आप यकीन करना अभी नखून कटवाए हैं इसके आप देखो तो सही बंदे को आप मतलब ये कहोगे वो है ही नहीं जो हमने देखा था फैसला लो जो लेना है लेकिन एक चांस बनता है मैंने कहा ग्रीच एक बात बता कैसी रही मीटिंग ये जवाब ना दे मैंने कहा ग्रीच ये जवाब ना दे मैं तो भी समझ गया मैंने कहा कान का मैल कहा पागल हो गया तो कान का मैल निकाला है फिर मैंने बिठाया अब आप देखो तो कर लिया ठीक है अब जो वा, इसको तैयार करो फिर कल कर आते हो ना ये बात लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये, हां जी। ये कल इसको कुत्ते की तरह के